नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है वर्मा ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि केंद्रीय विद्यालय में आप पहली कक्षा में अगर अप्लाई कर रहे हो तो एक साथ तीन जगह अप्लाई कर सकते हो, वो भी आप जहां चाहो आपके मन के अनुसार से अलग अलग जगह, लेकिन प्रायोरिटी पहले आपका रहेगा, फिर सेकेंड और थर्ड आपका ऑप्शन रहेगा। दोस्तों तो कई गरीब बच्चे होते हैं जो लोग फॉर्म डालते हैं लेकिन वो एक ही जगह डाल पाते हैं और दो जगह छोड़ देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी जगह ऐसे हो रहा है कि एक ही फॉर्म डालकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही कम चांस रहते हैं केंद्रीय विद्यालय में होने का, इसलिए आपको तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीन आप KVS स्कूल डाल सकते हो। तो आज हम आपको बताने वाले कि तीन जगह आपको कैसे फॉर्म डालना है। तो सिंपली आपको दोस्तों चलिए बताते हैं आगे में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे यहाँ पर, तो चलिए बच्चे के नाम में डाल देते हैं यहाँ पर हर्ष वर्मा, ये 12/10/2015 यहाँ से चलिए डाल दिए, मेल आईडी डाल दिए, चलिए मेल आईडी डाल दिए। यहाँ से सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को हमारे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे दोस्तों तो OTP आएगा मोबाइल में, OTP को आपको डालना है RWYUGD। यहाँ पर OTP आ चुका है, इसको डालना है यहाँ पर, इसको वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करोगे तो यहाँ आपको ID पासवर्ड मिल गया दोस्तों, इसको आपको लिख कर रख लेना है। फिर दोस्तों उसको केंद्रीय विद्यालय में लॉगिन करना है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है देख सकते हैं राइट साइड में, आपका लॉगिन में क्लिक कर दिए और जो आप फॉर्म भरे दोस्तों इसका आईडी और पासवर्ड वहाँ डालना होता है, बता देते हैं आपको। ये फॉर्म डाल दिए, अब डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ लिख लिए, चलिए उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर जो डाला रहा उसको डालना है, हमने मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद आपको सिंपली ये डालना है 6LPGP, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार खुल जाएगा, उसके बाद लड़का लड़की आप फॉर्म भरने का तरीका मैंने दूसरा वीडियो में बनाया हूँ जिसका लिंक मैंने नीचे में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भरने पर देख सकते हो। इसमें आपको मैं सिर्फ बताऊँगा कि आपको तीन जगह फॉर्म कैसे डालना है। तो चलिए इसमें डाल दिए नॉर्मल में, यहाँ पर ST है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप चेंज कर दिए, फॉर्म भरा गया, उसके मम्मी पापा का डिटेल डालना है दोनों साइड, यहाँ पर चलिए एड्रेस डाले कहाँ से हो, छत्तीसगढ़ सिटी रायगढ़ डाल दिए, इसको जो मोबाइल नंबर को भी डाल दिए, इसके दोनों का एड्रेस डाल दिए, मम्मी का नाम डाल दिए, पापा का नाम डाल दिए, उसके बाद आपको इसको संपर्क कर। तो दोस्तों ये फॉर्म भर दिया हूँ मैं, एग्जांपल है ये, आप अच्छे से इसको पढ़ के भर लीजिएगा। तो नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आपको मेन ध्यान देना है कि आप फॉर्म आपको कैसे भरना है, यहाँ पर तीन जगह कैसे ऐड करें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप तीन अलग अलग जगह विद्यालय किसी के ऊपर चिंता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्प भरने के लिए नीचे गए टैब पर क्लिक करें और आप तीनों केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करना चाहते हो तो एक से एक अधिक टैब छोड़ सकते हैं, हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प देना अनिवार्य, मतलब एक स्कूल देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर कैसे चूज करना, चलिए हम छत्तीसगढ़ में तीन जगह करके दिखाते हैं आपको। यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद इसमें डाल दिए हमने, पहले डाल दिया कोरबा NTPC, ये देख सकते हो कोरबा NTPC डाल दिए, इसे 5 किलोमीटर से बराबर है, RT में आ गया अपना, यहाँ पर चलिए डाल दिए, हो गया ये दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए डाल दिए, इसमें से आप अपने बच्चे के अनुसार से चयन कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद सेकंड में कैसे डालना है, यहाँ पर हमने पहले डाल दिया, सेकंड में आपको यहाँ सेलेक्ट विद्यालय में क्लिक करना है, फिर से आपको छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना है, फिर हमने डाल दिया कोरबा SSCL, कोरबा SSCL डाले, सेम इसको डालना है, प्रायोरिटी क्या डालना चाहते हो उसको डालना है और उसके बाद फिर क्लिक कर देना है, उसके बाद नॉन एप्लीकेबल में क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है थर्ड में डालना है, फिर मतलब इसमें आप जो दिख रहे हैं इसमें थर्ड में क्लिक करना है, इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में क्लिक करना है, यहाँ से कौन से स्कूल डालना चाहते हो रायगढ़ डाल दिए, सेम प्रायोरिटी डाल देना है, नो कर दें, यहाँ पर प्रायोरिटी अपना 5 नंबर आ गया नो। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने पहले में कोरबा NTPC दिखा रहा है, सेकंड में कोरबा नंबर SSCL दिखा रहा है, तीसरा में KVS, मतलब हम तीनों के लिए यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, तीनों स्कूल में हमारा नाम आ सकता है। तो ये था आपको तीन जगह डालने का ऑप्शन दोस्तों, कि आपको कैसे डालना है उसके लिए, तो इसी के अनुसार से आप डाल सकते हो। नेक्स्ट कर दिए, इसके बाद जैसे आप बच्चे का फ़ोटो डालोगे, चलिए आपको बच्चे का फ़ोटो डाल के दिखाते हैं,
यहाँ पर चलिए बच्चे का फोटो अगर डाल दी हमने, इसके बाद इसको जैसा सेव करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो मैं तीनों का फॉर्म आपको अलग अलग मिलेगा दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है केवी कोरबा एनटीपीसी, जैसे आओगे तो उससे जस्ट बगल में केवी कोरबा एसएससीएल और जस्ट नीचे जाओगे तो केवी रायगढ़। तो दोस्तों तीन फॉर्म इसमें आपको मिल जाएगा एक साथ। यहाँ पर जैसे फाइनल सबमिट करोगे, हमने फाइनल सबमिट कर दी, यस करोगे, फिर ओटीपी आएगा, डालोगे। यहाँ पर ओटीपी आ गए, इसको डाल दिए चलिए, और यहाँ से वेरीफाई कर दिए। जैसे आप प्रिंट का ऑप्शन करोगे दोस्तों, यहाँ पर तीन जगह दे दिया, ये देख सकते हैं, एक यहाँ पर, दो और यहाँ पर, तीन, तीनों जगह में आपका नाम आगे जाएगा और तीन ठोक आपको तीन सेट फॉर्म मिलेगा, उसको आपको रखना है। नाम आने पर जहाँ पर आपके बच्चे का नाम आएगा वहाँ आपको जमा करना है। तो कैसे लगा दोस्तों यह एक छोटा सा जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।